क्या था फाइल का नाम जी? किस नाम से था ये वाला फाइल था ना? चलो ध्यान दो, ये फाइल था ना? ओके, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे रिकॉर्ड। पहले डेटाबेस में एक बार टेबल देख लेते हैं, जो फाइल अपलोडेड होगा वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए। PHP my admin सर। क्या एड्रेस में केवल बोलिए ना डालने के लिए, पटना सर। हाँ, हो सकता है कि कुछ ब्रैकेट ये सब डाल दे रहा होगा बच्चा उसमें एड्रेस में। तो एड्रेस एक दो बार चेंज करके डाले ना, केवल पटना देखिए ना डालकर। अब देखिए तो फिर से ऑब्सेशन वही एड्रेस में एक ही दो वर्ड में डालकर देखिए आ जाए। कौन सा डेटाबेस बना हुआ था? PSEIT ना। किस नाम से बना हुआ था? इमेज डिटेल्स। ओके, इमेज डिटेल्स में हमारे पास जो कॉलम नेम है, इमेज आईडी, इमेज नेम, इमेज साइज और इमेज टाइप। चलिए अब उसी रिकॉर्ड को हम लोग को लिखना है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? आपके फाइल में एक कनेक्शन फाइल होगा, क्या क्या नाम था? कनेक्शन ही ना, डेटाबेस था। ओके, तो इंक्लूड डेटाबेस डॉट PHP, ठीक है? इस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जिसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश था। अब मैं SQL कमांड लिख दिया, डॉलर SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम इमेज अंडरस्कोर डिटेल्स डिटेल्स और यहाँ पे कॉलम नेम देना होगा। क्या क्या था कॉलम नेम? इमेज अंडरस्कोर नेम था,
इमेज टाइप था, इमेज साइज नहीं ना, ओके वैल्यूज दिया जाए सिंगल कोट में, किसमें वैल्यूज रिट्रीव किए हैं, नेम एफ ए नेम डॉलर छुटा हुआ है डॉलर दे दिया जाए, इसके बाद डॉलर एफ टाइप डॉलर एफ साइज इतना ही ना, ओके अब इसको एग्जीक्यूट कराना होगा, तो आप जानते हैं डॉलर आर एस नहीं, वो साइज वहां पर क्या दिए थे, इंट दिए थे ना डेटाबेस में, इंट ही ना दिए थे, ओके क्या तुम वहां से उठो तो जी उठो वहां से, इधर आओ इधर बैठो, क्या नाम है तुम्हारा, बोल रहे इस बेंच पे बैठो इधर, क्या नाम है, क्या बोला जी, पिट्टू राज, डॉलर आर एस, और यहां पे माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी, ओके अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डॉलर कॉन कॉमा डॉलर एसक्यूएल, ओके ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो मैंने एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करा दिया और यहाँ पर एक मैसेज दिया इफ If डॉलर आर एस अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ यानी SQL कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा तो एक मैसेज होगा हमारे पास इको इमेज अपलोडेड इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली एंड सेफ्ट सक्सेसफुली, ओके ठीक है, इमेज हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया और सेफ भी हो जाएगा डेटाबेस में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर एल्स में एक मैसेज दे रहा हूं इको नॉट सेफ्ट, चलिए ये चीज तो हो गया, अब लास्ट में हम इसको क्लोज कर देते हैं माई एसक्यूएल क्लोज डॉलर कॉल, ओके चलिए प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब हम रन करा के देखते हैं कंट्रोल एस, डेटाबेस हमारा यही था इमेज टाइप इमेज साइज इमेज नेम ठीक है, इमेज डिटेल्स इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, इंट ही दिए है ना इमेज साइज में, ओके इमेज साइज इमेज टाइप इमेज नेम, आइए अभी हमारे पास देख रहे हैं कि एक भी रिकॉर्ड नहीं है इसमें, अगर मैं ब्राउज कर रहा हूं यहां पे तो एक भी रिकॉर्ड नहीं है,
ओके, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोकल होस्ट और यहाँ पे हम लोग देंगे PACIT, फाइल का नाम था हमारा इमेज image upload.php। ओके, फाइल को यहाँ से चूज किया जाए। हम लोग चलते हैं कहीं पे भी डेस्कटॉप और वेब डेवलपमेंट मैं यहाँ पे प्लेनो 4 ओपन। ओके, अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ मैसेज दिया, इमेज अपलोडेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो फाइल टाइप वहाँ डेटाबेस में जाइएगा, देखिएगा कि फाइल नेम हमारा प्लेनो 4.jpg है, फाइल टाइप हमारा जेपीजी है, फाइल साइज हमारा 3KB है, टेम्प्रोरी फाइल नेम तो वहाँ नहीं है। ठीक है, ओके, फिर से मैं एक फाइल को चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, चूज फाइल, और इस बार हम प्लेनो 3। ओके, ओपन, अब मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ये भी अपलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस में फिर से इसको ब्राउज करते हैं। देखिए आ गया है रिकॉर्ड, दिखाई दे रहा है ना, ऑटोमेटिकली इमेज आईडी क्रिएट हुआ, 1-2 ऑटो इंक्रीमेंट था ना, ऑटो इंक्रीमेंट दिए थे। इमेज आईडी का तो वैल्यू हम लोग ने नहीं स्पेसिफाई किया है, इमेज नेम भी आ गया यहाँ पर, इमेज टाइप भी आ गया इमेज जेपीजी। अगर तुम चाहते हो कि 3KB यहाँ पर लिखा हुआ रहे, ऐसे तो पता नहीं ना चल रहा है, तो स्ट्रिंग टाइप का ले लीजिएगा। किस टाइप का ले लीजिएगा? स्ट्रिंग भर कर और उसमें KB लगा दीजिएगा, समझ रहे हैं? ओके, तो इसी तरह से हम लोग इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि कोई आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, क्या है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई PDF मान लो कि आपका रिज्यूम है, तो एक रिज्यूम अपलोड दिखा देंगे, एक वीडियो अपलोड करके दिखा देंगे, ठीक है, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग सबसे पहले कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? यस सर। आप सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शुरू से इसका ले लीजिए, इमेज अपलोड कंप्लीट हुआ है। अगर कहीं पे भी आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करें। तो यही लास्ट है आपका, तो ये चीज हो जाना चाहिए। और डेटाबेस में आपको मालूम ही है, डेटाबेस में टेबल जो क्रिएट किया हुआ है मालूम है ना, यही है हमारा। आप अपने अनुसार भी कॉलम का नाम दे सकते हैं, टेबल का नाम दे सकते हैं। ओके, चलिए अब आइए हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।